हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा लेके आया हूँ क्लास सेकंड के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इट्स मी। इसमें हम खुद के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, माय नेम इज, तो आपका नाम आपको बताना। आपका नाम क्या है? मान लो आपका नाम है राम, ठीक है। आपका नाम क्या है? राम। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ठीक है। जो भी आपका कोई भी नाम है, आपको अपना नाम लिखना है। फिर आप गर्ल हो या बॉय हो, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा क्या? राम। तो राम क्या है यहाँ पे? बॉय है या गर्ल? तो वो क्या है? बॉय। तो यहाँ पे हम किसको टिक कर देंगे? किसको टिक करेंगे? बॉय को, ठीक है। इसी तरीके से आई हैव अ लॉन्ग शॉर्ट हेयर। अगर मान लो राम की जगह किसी लड़की का नाम होता, तो उसका यहाँ पे क्या था? उसके बाल कैसे होते? लंबे होते। तो हम यहाँ पे लॉन्ग को टिक करते, बट राम एक लड़का है, तो लड़के के बाल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? शॉर्ट को टिक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। माय आईज आर ब्राउन ब्लैक, इसका मतलब है मेरी आंखें जो है वो ब्राउन है या ब्लैक है। तो अब राम की आंखें कैसे हो सकती है? ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ कि राम की आंखें कैसी है? ब्लैक है। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है, आई लाइक टू वियर पिंक ब्लैक ड्रेसेस। ये जो है उसको पसंद है या तो वो पिंक कलर की ड्रेस पहने या फिर वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहने। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो वो यहाँ पे टिक कर देते कि हाँ मुझे पिंक कलर पसंद है, तो वो पिंक कलर यहाँ पे चूज कर लेते। बट यहाँ पे लड़के का नाम है राम का, तो राम को अगर ब्लैक कलर पसंद है तो वो किसको टिक करेगा? ब्लैक कलर को, ठीक है। तो वो ब्लैक ड्रेसेस को क्या करता है? पहनता है उसको। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, आई राइट विथ माई लेफ्ट राइट हैंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से लिखता हूं। तो जो राम नाम का लड़का है वो अपने राइट हैंड से लिखता है। हो सकता है वो लेफ्ट हैंड से लिखे, कोई भी हाथ से लिखे, जिस हाथ से लिखता हो हम उसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। हमने मान लिया वो कौन से हैंड से लिखता है? राइट हैंड से लिखता है। किसको लिखता है? राइट हैंड से लिखता है। नेक्स्ट है, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स मैंगो। तो उसको क्या खाना पसंद है? राम को क्या खाना पसंद है? हो सकता है उसको ग्रेप्स पसंद हो सकता है उसको मैंगोज पसंद हो। तो हम यहां पे टिक कर देते हैं, उसको क्या पसंद है? ग्रेप्स पसंद है, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स लव मी, जितने भी जो उसके फ्रेंड है वो उसको क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा, इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी फोटो को क्या करना है? पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी फोटो को इसके अंदर पेस्ट करोगे और उसके नीचे आप अपना नाम लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने राम का बनाया, तो राम का मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? उसका डायग्राम बना दिया और उसके नीचे उसका नाम लिख दिया। क्या नाम है इसका? माई नेम इज राम। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे आपके ये दिया गया है, इसको आपको फिल करना है और व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो फोटो है उसको पेस्ट करना है यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया आपको? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।